श्री श्याम प्रभु एवं श्री रानी सती दादी ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश गोयल ने एक पत्रकार वार्ता में श्री चंद्र शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक श्री श्याम अखंड ज्योत मंगल पाठ का अनुसरण 30 से 40 वर्षों से श्याम प्रेमी कर रहे हैं। वह स्कंद महापुराण के प्रथम माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड वर्णित कथा से परे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई त्रुटि को सुधार करते हुए श्री श्याम प्रभु दादी रानी सती ट्रस्ट द्वारा दो दिवसीय श्याम महोत्सव के अवसर पर 19 और 20 नवंबर को संपूर्ण कथा तथा श्री श्याम चरित्र शास्त्र सम्मत काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश गोयल ने कहा, मुख्य उद्देश्य है कि श्याम जगत श्याम संसार में श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ जो अमृत वाणी किसकी अमृत वाणी को आधार बना के और श्री चंद्र शर्मा दुगर वाले ने प्रचारित किए, जिससे आज के समाज में पूरी तरह वो लोकप्रिय लोग उसको कह रहे हैं। हम स्कंद पुराण की स्थापना के जिसके कौमरिका खंड में सारा विवरण है कि बर्बरी का कब जन्म हुआ और कब क्या हुआ, ये सारी चीज विवरण है जो हम इसके साथ आप लोगों को प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग का इसी क्रम में हम लोगों ने 15 अक्टूबर को स्कंद पुराण की स्थापना अपने मंदिर में की है, राम जानकी मंदिर, और इसी क्रम में हम अभी 1920 तारीख को श्याम चरित पाठ जो शास्त्र सम्मत है उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में पूरे शहर में ये चीज जाए कि जो भी पाठ हो वो स्कंद पुराण के साथ शास्त्र सम्मित हो। और हम रवि गोयल संस्थापक श्याम प्रभु दादी रानी ट्रस्ट राम जानकी मंदिर के जानकारी में जब ये बात आई, हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे थे, जब जानकारी में बात आई तो हम लोगों ने अध्ययन करने के बाद स्कंद पुराण का हम लोगों ने इसकी स्थापना मंदिर में राम जानकी मंदिर में 15 अक्टूबर 2018 को कराई, इसकी जानकारी। और उससे हमने एक वचन लिया, वचन हमने स्कंद पुराण के सामने अपने श्याम जी के सामने हमने वचन लिया कि इसको जब तक हम पूरे भारतवर्ष जो इस समय लोकप्रिय स्कंद ये श्याम ज्योति पाठ है जिसमें पुस्तक जो 40 सालों से पूरे भारत में लोकप्रिय है, लोग इसका जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा ये अपना कहना है स्कंद पुराण को देखने के बाद कि इसके अंदर या तो श्री डूंगरमल जी शर्मा जो लेखक हैं ने द्वारा रचित को स्कंद पुराण की जानकारी नहीं थी या अज्ञानतावश उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करके उसको 40 साल में लोकप्रिय बना दिया भारतवर्ष में।